आज हम लोग हैं भाई बरवाड़ा में, और बरवाड़ा में आप लोगों को पीछे भाई विकास दिख रहा होगा बरवाड़ा का, उस साइड भी देख लो, ये मेन हाईवे है बरवाड़ा का जो बीचों बीच गुजरा है, दोनों साइड देख लो पानी का भरा है पूरा, और कीचड़ मैच रहा है, जोर को निकला है, निकलना दुर्भर हो रहा है। और मेरे साथ कृष्ण मित्तल जी हैं, दावेदार हैं आम आदमी पार्टी से, चेयरमैन पद के दावेदार हैं नगर पालिका जो बरवाड़ा है। कृष्ण मित्तल जी से बातचीत करेंगे भाई, किस तरह से इसका समाधान होगा। कृष्ण मित्तल जी, क्या कहना चाहोगे, जो यू विकास हो रहा है नी बरवाड़ा का, इसको लेकर क्या कहोगे आप? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को राम राम जी। हाँ जी, रही बात बरवाड़ा के विकास की, जी विकास तो आपको दिख ही रहा है जी, बढ़िया विकास हो रहा है जी। सड़क के ऊपर पानी खड़ा है जी, और सड़कें सारी टूटी हुई है जी। तो इसका समाधान किस प्रकार तो होए? इसका समाधान जब होए जी, जब दोबारा फिर हम विधायक बार का बनाए, या भाई किसी भ्रष्ट आदमी को बनाए। तो आप क्या कहना चाहो, मतलब जो उर का एमएलए है किस तरीके से काम कर रहा है? हमारा जो एमएलए है जी, विधायक है जी, उसने कभी हमारे बरवाड़ा में, वैसे मेरे ख्याल से काम विकास कराने में कभी फुर्सती नहीं मिली उसको, कॉलोनी काटने से फुर्सत नहीं है जी। जी हाँ जी, देखो आप आम आदमी पार्टी से दावेदार हो यहाँ से चेयरमैन पद के लिए, तो आप किस तरह की सोच लेकर, किस तरह का एजेंडा लेकर चुनाव में उतरोगे? मैं तो जी भ्रष्टाचार को दूर करने का और साफ सुथरा कार्य करवाने का, विकास सही विकास करवाने का। ये विकास नहीं है वे जो मोदी जी ने या हमारे विधायक जी ने या खट्टर सरकार ने करवाया है, ये 7 साल का विकास है जी, 8 साल का विकास है जी, ये ऐसा विकास नहीं चाहिए हमारे को। हमारे को चाहिए बढ़िया विकास जी, जो बरवाड़ा की जनता मांग रही है वो मांग रही है भाई साफ सुथरी सड़कें और अपना रहन सहन बढ़िया हो। देखो जी, जो बरवाड़ा में कहीं ना कहीं नशा भी पनप रहा है, कुछ बस्तियों में हम लोगों को रिपोर्ट मिली थी कि युवा है इसकी चपेट में आने लग रहे हैं लगातार, फीम चरस गांजा स्मैक इस तरह का स्मैगलिंग होने लग रही है, तो उसको लेकर क्या कहोगे आप? देखो जी, ये जो नशाखोरी हो रही है ये आप भी समझते हो, अगर प्रशासन इसके ऊपर लगाम लगाए तो नशाखोरी रुक सकेगी जी, लेकिन प्रशासन खुद ही नहीं चाहता भी हम नशाखोरी को रोकें। अगर प्रशासन इस नशाखोरी को रोक देगा तो उनका चढ़ावा आना बंद हो जाएगा जी, इसीलिए प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, और ये सारे राजनीति वाले मिलकर ही नशेखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं जी। हाँ जी, देखो सर, आप स्टार्टिंग से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हो और जो पंजाब में पूरा प्रभाव देखने को मिला, तो अब बरवाड़ा को किस तरह से समझ रहे हो आप? देखो जी, जैसे पहले दिल्ली से चलो, दिल्ली की तर्ज पे पंजाब भी समझ गया जी, हम तो अब बरवाड़ा से भी यही आस रखेंगे। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में विकास किया, उसको देखते हुए पंजाब में सरकार आई, ऐसी ही सरकार, ऐसा ही चेयरमैन बरवाड़ा में आम आदमी पार्टी का ही बनना चाहिए जी। जी, और सर अगर खेलों को लेकर बातचीत करें तो बरवाड़ा में स्टेडियम भी नहीं है, कहीं ना कहीं खेलों के एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है पूरा, उसको लेकर क्या कहोगे आप? खेलों के तो छोटो भाई साहब, आप देख रहे हो हर चीज़ में पिछड़ा हुआ बरवाड़ा, बिल्कुल बिल्कुल पीछे है बरवाड़ा। बरवाड़ा इस टाइम बिल्कुल जीरो की स्थिति पे है। हाँ जी, तो खेलों के लिए लेकर कुछ खास एजेंडा है आपके पास? खेलों को लेकर पहले एक स्टेडियम की वो रखी थी नींव, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई, उसको भी मेरे ख्याल से 5 पता नहीं 6 साल हो गए, वो स्टेडियम की घोषणा तो हो गई लेकिन आज तक कभी स्टेडियम नहीं बना। उस जमीन पे अवैध कब्जा पता नहीं किया है कि कर लिया गया है, शायद 100% उस जमीन पर अवैध कब्जा भी हो चुका होगा जी। हाँ जी, तो खेलों के लिए अगर हमारा आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बनता है तो हम बरवाड़ा में खेलों को लेकर जरूर से भी जरूर स्टेडियम बनवाएंगे जी। जी हाँ जी सर, और क्या कहना चाहोगे बरवाड़ा की पब्लिक के लिए, कुछ खास मैसेज हो आपकी तरफ से? बरवाड़ा की पब्लिक को तो मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा जी, देखो चुनाव सिर के ऊपर आ गया है और अब नेता लोगों ने कुछ नहीं करना है, अब बरवाड़ा की जनता ने ही करना है। हम तो कह रहे हैं भाई ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति को ही चुने, मैं ये नहीं कह रहा मेरे को वोट दो आप जी, जी। किसी को भी दो लेकिन ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति को दो, इन दलालों से सट्टेबाजों से भूमाफिया से दूर रहो जी। हाँ जी, धन्यवाद। ठीक, तो फिलहाल बरवाड़ा में थे और मेरे साथ कृष्ण मित्तल जी हैं जो दावेदार हैं आम आदमी पार्टी से। तो आप लोग बरवाड़ा का विकास देख रहे होंगे, लगातार बुरा हाल है, तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए भाई जो बरवाड़ा का विकास है उसको लेकर आप क्या कहोगे, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।